प्रस्तुत है बच्चा गोद लेने के कानूनी प्रावधान और सामाजिक आयाम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में संयुक्त सचिव डॉ वंदना कुमार और सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्नल दीपक कुमार। परिचर्चा का संचालन पत्रकार अदिति टंडन कर रही हैं। भाजपा सरकार ने 2015 में एक नए विधेयक के तहत जो अडॉप्शंस का सिस्टम है हमारे देश में उसको बहुत हद तक आसान करने की कोशिश की है। हम सब जानते हैं कि नया विधेयक जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 है उसमें एक पूरा चैप्टर अडॉप्शंस का है जिसमें सरकार ने ये कहा पहली बार कि अडॉप्शंस को टाइम लाइन्स के तहत पूरा किया जाएगा। कोर्ट्स अपने ऑर्डर्स अडॉप्शंस के लिए जल्दी जल्दी देंगे। 3 महीने का एक वक्त निर्धारित किया गया और सारा का सारा जो प्रोसेस अडॉप्शंस का है उसको ऑनलाइन किया गया। पहली बार सारे सिस्टम को सेंट्रलाइज करके एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया क्योंकि पहले ये महसूस किया जाता था कि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारी लोकल एजेंसीज के साथ रजिस्टर हो जाते थे जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी और पेरेंट्स को बहुत लंबी वेट लिस्ट करनी पड़ती थी। तो कर्नल दीपक कुमार, आप कारा के अध्यक्ष हैं इस वक्त और आप इस पूरे कानून को एक अमली जामा पहना रहे हैं, आपको क्या लगता है कानून आने के बाद आज तक हमने उस कानून में जो लिखे गए ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया है क्या? पहली बात तो ये है कि कोई भी जो कानून है वो इवॉल्व करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो परिस्थिति होती है या जनता जो होती है उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको मद्देनजर रखते हुए हम कानून में बदलाव समय समय पर लाते रहते हैं। तो ये भी जो 2015 का जो एक्ट आया ये इसी सोसाइटी के संदर्भ में उनमें क्या क्या परिस्थितियां आई और कैसे उसमें सुधार लाया जा सकता है बच्चों के हित पे, उसके लिए कानून आया। अब इस कानून में दो पहलू कवर की गई है। एक तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, उसकी एक स्तंभ इस कानून में हुई है बच्चों के हित में, कैसे बच्चे चाइल्ड फ्रेंडली कोर्स और बाकी चीजें हों। दूसरा जो है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उसकी एक डेफिनेशन दी गई है एक्ट में कि जो भी बच्चा जिसको प्रोटेक्शन या उनकी केयर की आवश्यकता है, जिसकी खुद के फैमिली या नहीं है, उनकी सपोर्ट सिस्टम की बात की गई है। तो हम जो यहां पे अभी डिस्कस कर रहे हैं इस पहलू के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें बड़े सारे स्टैट्यूटरी स्टेक होल्डर्स या अथॉरिटीज या एजेंसीज इस एक्ट में डिफाइन की गई और सबकी रोल भी निर्धारित की गई कि कौन आदमी बच्चों के हित को ध्यान में हमेशा सर्वोपरि रखते हुए क्या काम करेगा। सबसे पहले तो एक जिले के स्तर पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी गठित की गई, वो 5 लोगों की कमेटी होती है जिसमें एक महिला अनिवार्य मेंबर होती है और एक चेयरपर्सन होता है। वो उस जिले में बच्चों के जितने भी उसके हित में डिसीजन लेना है या उनको देखना है, इंक्लूडिंग कि वहां पे एजेंसियां कैसे काम कर रही हैं, हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, ये सब कुछ उनको जिम्मेवारी दी गई और इसकी रिव्यू और मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जो जिला के स्तर पर जो कलेक्टर है उनको दिया गया। साथ साथ मॉनिटर करने के लिए जितने भी संस्थाएं जिले में हैं जिसको हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं उसके लिए हर जिले लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन यूनिट बनाई गई। ये दोनों मिलकर ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करती है और इसको ऊपर स्टेट लेवल पे स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी देखती है। तो ये तो हमने सिस्टम ग्राउंड पे कर दिया। अगले चीज है कि इनकी एक्ट टाइमलाइन जैसे आपने बताया सब कुछ डिफाइन किया गया है। बात आती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तब होगी जब ये सभी जितने भी ऑन ग्राउंड एजेंसीज या इंस्टीट्यूशंस जो डिफाइंड हैं वो पहले तो गठित हों, पूरी स्ट्रेंथ में हों और उनको जो निर्धारित जो टास्क या कार्य दिया गया है उसका पालन वो सही समय पे करें और उसकी रिपोर्टिंग जो है हायर अथॉरिटीज को आए। यहां पे इस चीज में थोड़ी सी अभी पूरी हम नहीं अचीव कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसको मॉनिटर कर रही है, एक WP 102 केस है उसमें रेगुलर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है और स्टेटों को निर्देश जारी हुआ है कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई और इम्प्लीमेंटेशन पूरी की जाए। वंदना जी, कर्नल कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस बताए। हमारे देश में यही प्रॉब्लम रहती है कि हम कानून बना लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का एक चैलेंज रहता है। जाहिर सी बात है बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। आपने एक ऐसे समय पर 2 बच्चों को अडॉप्ट किया जब कानून बहुत अच्छे नहीं थे, इस संदर्भ में कानून बहुत ईजी और फ्रेंडली नहीं थे अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या था एडॉप्शन का? सालों पुरानी बात है, अब आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो आप हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि आपने क्या क्या इस बारे में चैलेंजेस झेले और आपने ये कैसे निर्धारित किया कि हाँ मैं एडॉप्शन के लिए तैयार हूँ। ये भी असमंजस की स्थिति रहती है पेरेंट्स के लिए। अदिति, मेरा बेटा आज 17 साल का है और मेरी बेटी 14 साल की है और आप सही कह रही हैं, जब हमने ये डिसाइड किया था
तब रिसोर्सेज ज्यादा नहीं थे, ज्यादा लोग थे नहीं जिनको हम जाकर के पूछ सकते थे, बात कर सकते थे इसके बारे में। इस सब के बावजूद मैं ये कहूंगी कि हमारा अनुभव बहुत सुखद रहा। जो भी उस समय व्यवस्था थी, तब कानून भी था और ACA भी जो थे, उन सब ने हमारी बहुत मदद की और बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। ये जर्नी बहुत असीम स्नेह और प्यार से भरी हुई रही है और हमने खुद बहुत कुछ सीखा है, बहुत एक्सेप्टेंस सीखा है, स्वीकार करना सीखा है। हमारे लिए बड़ी ग्रोथ और लर्निंग की ये जर्नी रही है। दूसरी बात आपने की कि असमंजस रहता है पेरेंट्स को, ये बात मैं बिल्कुल मानती हूं। और सबसे बड़ी बात अडॉप्शन में यही है कि आपको अपनी फीलिंग्स को खुद समझना होता है कि मैं क्या ये कर पाऊंगी, क्या मुझे कभी रिग्रेट तो नहीं होगा। तो ये सबसे बड़े सवाल हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे चलते हैं तो आप समझते हैं कि बच्चा आपका सबसे बड़ा टीचर होता है, तो बच्चे आपको खुद बहुत कुछ सिखा जाते हैं। पर ये बात सही है जो दीपक जी ने भी अभी कहा, कैपेसिटी बिल्डिंग की हमारे सिस्टम को जरूरत है। काउंसलिंग एक बहुत बहुत अहम रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पेरेंट्स इन अडॉप्शन एक गो टू बॉडी है जहां हम जा सकते हैं, बात कर सकते हैं पेरेंट्स से, थेरेपिस्ट से, काउंसलर से, तो उससे डेफिनेटली ये सवाल और आसान हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखिए दीपक जी, वन्ना जी ने अपना एक्सपीरियंस समझाया और मैं उम्मीद करती हूं कि बहुत से पेरेंट्स इनको सुन रहे होंगे जो इस असमंजस की स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी हमारे देश में बढ़ रही है, ये एक हकीकत है। बहुत से बच्चे हैं जिनको घरों की जरूरत है। अब आपके कारा के वर्किंग पर दोबारा आते हुए, कुछ एक रिपोर्ट आप लोगों ने पब्लिश की 2018 में ही, जिसमें ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड उभर के आया था कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां अडॉप्ट हो रही हैं बजाय इसके कि लड़के अडॉप्ट हों। ये ट्रेंड जो है वन्ना जी, दीपक जी, ये रिवर्स हो गया है पहले के जमानों से, क्योंकि पहले तो नेचुरली प्रेफरेंस फॉर सन्स, जिसको कहते हैं कि बच्चा चाहिए तो लड़का ही होना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिर्फ एडॉप्शन फिगर से ये क्लियर नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारे पास पेरेंट्स की वेटिंग ज्यादा है, अगर हमारे पास बच्चियां ज्यादा देने के लिए होंगी, तो ऑब्वियसली वो अडॉप्ट ज्यादा होंगी बनिस्पत लड़के। लेकिन मैं अगर इसको देखता हूं कि कितने पेरेंट्स मेरे पास रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने चॉइस क्या दिया है, उससे बड़ी क्लियर उभर के आती है ट्रेंड क्या है। तो मेरे पास आज के डेट में 20,000 से तकरीबन ज्यादा पेरेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं अडॉप्शन के लिए। तो एक तो ये भी काफी हेल्दी साइन है, पीपल वॉन्ट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड टू कम्प्लीट देयर फैमिली। दूसरी बात ये हो गई कि अगर मैं इनकी चॉइस हम तीन तरह के देते हैं, चाहे तो वो लड़की दे सकते हैं चॉइस में, या लड़का, या एनी चॉइस। तो अगर एनी चॉइस को हम अलग कर देते हैं और सिर्फ जिन्होंने प्रेफरेंस दिया है लड़का या लड़की, तो हमने देखा है कि 55% लोग सिर्फ लड़की अडॉप्ट करना चाहते हैं, बनिस्पत 45% जो लड़के का चॉइस दिया। तो दिस इज अ वेरी हेल्दी ट्रेंड। हमारे पास पेरेंट्स आते भी हैं, हम बात भी करते हैं, तो उनका कहना है कि अब तो ये ज्यादा डिफरेंस रह नहीं गया है लड़के और लड़की में, अब तो समाज ऐसा पहुंच गया है, न्यूक्लियर सोसाइटी बन गई है और वहां लड़के और लड़की ऑलमोस्ट समान हो गए हैं एजुकेशन और इन सब के बाद। उनका कहना है कि लड़कियों को हैंडल करना ज्यादा आसान है, यही कहते हैं, और उनकी एक्सेप्टेंस और उनके साथ जो अडेप्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा आसानी से हो जाता है बनिस्पत के लड़के, स्पेशली अगर ओल्डर बच्चे हों। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग लड़कियां। वन्ना जी देखिए कैसे माइंडसेट बदलते हैं जमाने के साथ, कि पहले चर्चा में रहता था कि एक बेटा चाहिए, कि बेटे को रेज करना आसान है, और आजकल ये कह रहे हैं पेरेंट्स कि बेटियों को मैनेज करना, रेज करना आसान है। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स हैं सोसाइटी में। आपने पहले एक बेटा अडॉप्ट किया, फिर एक बेटी अडॉप्ट की, पूरी फैमिली अपनी कम्प्लीट की, आपके बच्चों का क्या एक्सपीरियंस था आपके साथ? बहुत ही सुंदर अनुभव रहा है। मेरा बेटा 3 महीने का था जब हमने उसे अडॉप्ट किया, तब भी हम चाहते थे कि बेटी अडॉप्ट करें, लेकिन वेटिंग लिस्ट लड़कियों की ज्यादा लंबी थी उस समय भी, 17 साल पहले भी। तो हमने तभी निर्धारित कर लिया था कि 3 साल बाद हम एक बेटी गोद लेंगे। जैसे मैंने कहा, बच्चे आपके टीचर हो जाते हैं, तो शुरू से ही आप बहुत कुछ अपने आप ही सीख जाते हैं, और बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, आप ही को रिफ्लेक्ट करता है, पेरेंट को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप कितने ऑनेस्ट हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं अडॉप्शन को लेकर के, उसी सेंटिमेंट को बच्चा बहुत रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर बच्चे को आप खुल करके बताते हैं कि बेटा हमने तुम्हें गोद लिया है, और अगर आप उसे बचपन से ही बताने लगते हैं, छोटी छोटी कहानियों में बताने लगते हैं, तो उसकी एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बन जाती है शुरू से ही।
बनिस्बत के कोई तीसरा आदमी कहे बच्चे को कि बेटा तुम्हें गोद लिया गया था, ये तुम्हारी रियल माँ नहीं है, तो अगर वो बच्चा शुरू से ही जानता है तो उसकी परसेप्शन जो होती है अडॉप्शन को लेकर के वो पॉजिटिव रहती है। और समय समय पर हमने अपने बच्चों से इस बारे में बात की है, जैसे ही वो बोलना शुरू होते हैं तब से लेकर के, और फिर जैसे वो बड़े होते हैं तब कुछ कम्प्लेक्शन की बात आ जाती है कि मैं ऐसा क्यों दिखता हूं और आप ऐसी क्यों दिखती हैं, और जब थोड़े से और बड़े होते हैं जब वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट समझने लगते हैं तो उनके मन में नए किस्म के सवाल आते हैं। तो ये जर्नी के साथ साथ हम सब इस सवाल से जुड़े रहते हैं और हमें इसे एड्रेस करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज जस्ट लाइक एनी अदर पेरेंटिंग। कर्नल कुमार, हमने देखा है कि अडॉप्शन में एक जो चैलेंज उभर के आ रहा है, जो हम ऑफन समाज में भी सुनते हैं, कि हर पेरेंट ये चाहता है कि छोटा बच्चा अडॉप्ट करे, तो जिस वजह से आपके जो एज ब्रैकेट्स हैं 0 to 2 में हाईएस्ट डिमांड रहती है, और जो ऊपर की एज ब्रैकेट्स हैं जैसे चिल्ड्रन की डेफिनेशन तो 18 साल तक की है, तो आप इस चैलेंज से कैसे उभरते हैं? बड़े बच्चों की तादाद बढ़ती जाती है, उनका क्या होता है? मैक्सिमम जो लोग रजिस्टर करते हैं हमारे पास, उनकी चाहत यही होती है कि 2 साल से छोटा बच्चा मिले। कॉम्पोजिट एज निर्धारित जो है उसमें है, अगर 90 साल से ज्यादा हस्बैंड और वाइफ की एज है तो वो 4 साल से ऊपर ले सकते हैं। तो कुछ जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और ये कराने के बाद थोड़ी लेट हो गई तो उनकी रजिस्ट्रेशन 4 से 6 के लिए होता है। तो हमने देखा है कि 0 to 2 नहीं, इनफैक्ट 0 to 6 तक वेटिंग है, 6 साल के बाद बहुत ही कम वेटिंग है। आप रजिस्टर करें और 3 महीने में आपको रेफरल मिल जाती है, 6 साल से ऊपर के ऑप्शन के लिए। अब भारत में लोगों का मानना है कि जितना छोटा बच्चा होगा वो उतना जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगा, या कुछ लोग बताना भी नहीं चाहते हैं शुरू में कि उन्होंने बच्चे को गोद लिया है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। स्टेप बाय स्टेप ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ये इसको तो बताना चाहिए। जैसे वन्ना जी कह रही थी कि सपोर्ट सिस्टम, काउंसलिंग, सम ग्रुप एक्टिविटी जहां पे ये डिस्कशन कर सकें, ये अनिवार्य है। चूंकि अभी गवर्नमेंट के पास इतना हर स्टेट में या जिले पे इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप या इस तरह से बना के लोग इसको अभी कार्यान्वित कर रहे हैं, बट हमें इस काउंसलिंग फैसिलिटी और इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने की जरूरत है, इसको और थोड़ी सी मजबूत बनाने की आवश्यकता जरूर है। अब बड़े बच्चों को अगर हमने एडॉप्शन में प्लेस करना है तो जो लोग बच्चे को लेके जाना है उनकी काउंसलिंग और ये बड़े बच्चों की काउंसलिंग दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जैसा आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और एक्ट में है, सेक्शन 41 कहता है कि हर एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन की रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और इनकी अडॉप्शन एजेंसी से लिंक भी होना अनिवार्य है सेक्शन 66 में। तो अब जब ये हो रहा है और हमारे पास 8,000 से करीब ज्यादा इंस्टीट्यूशन हैं जो रजिस्टर हो चुके हैं और इनकी लिंकेजेस हो रही हैं स्टेट से धीरे धीरे करके, तो अब ये जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हैं यहां अमूमन 6 साल से बड़े बच्चे रहते हैं, उससे छोटे जो हैं अडॉप्शन एजेंसी में रहते हैं, जो कि आज के डेट में हमारे पास 480 के आसपास हैं इंडिया में। बट ये जो 8,000 से ज्यादा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हैं वहां से तो हमें यही बड़े बच्चे मिलेंगे। अब इनको अगर हमने एडॉप्शन में प्लेस करना है तो इंश्योर करना है कि फैमिली में इंटीग्रेट हो पाए, इसके लिए काउंसलिंग बच्चों की भी और पेरेंट की बहुत जरूरी है। और हम जो भी प्लेस करना चाह रहे हैं, अभी हमने देखा है कि डिसरप्शन का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा हाई है। सो जैसा वंदना जी कह रही थी, काउंसलिंग बहुत जरूरी है, बच्चे को भी समझाना है कि आप चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से 18 साल से बड़े हो जाएंगे तो फिर कहां जाएंगे, घर परिवार तो आखिर में चाहिए। तो अभी उनको 12 साल में 13 साल में लग रहा है कि यहां पे हम कंफर्टेबली रह रहे हैं, ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ रहा है, खेल कूद और टीवी देख के मैक्सिमम समय निकाल ले रहे हैं, क्योंकि उस तरह की स्ट्रेस जो उनके ऊपर पढ़ाई लिखाई जो एक अमूमन घर में पेरेंटिंग में होता है वो कम पाया जाता है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में, बट उनके फ्यूचर के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये सब चीजें जो समझाना होता है काउंसलिंग के थ्रू और परिवार और फैमिली का इम्पोर्टेंस जो बताना होता है वो बहुत जरूरी है, जो कि मोस्ट ऑफ द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में हम देखते हैं कि अभी उतनी फॉर्मड अप नहीं है ये सिस्टम। तो ये जरूरी है ये करना। हमारे खुद के टीनेज बच्चे होते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगी, उनको समझाना पड़ता है। उसी तरह से अगर एडॉप्शन में बाहर से बच्चे आते हैं आपके घर में तो उसको तो आपने बायोलॉजिकल बच्चे की तरह इमीडिएटली अपनाना होता है, उनकी जो भी है खामियां वो पूरी करनी पड़ती है बिना जजमेंटल हुए। अब यहां पे पेरेंट्स जो लेके आते हैं वो काउंसलिंग नहीं होता है तो वो जजमेंटल होने लग जाते हैं और फिर कुछ ऐसी बातें बच्चे से उस इम्प्रेशनेबल एज में बोल देते हैं तो बच्चे को वो ना दिमाग पे और दिल पे एक दूसरा असर पड़ता है। बायोलॉजिकल चाइल्ड जो है वो फिर भी उसको नहीं लेता है क्योंकि वो तो माता पिता के साथ बचपन से रह रहा है, वो समझता है।
बट जब बाहर से आप अपना रहे हैं तो अनकंडीशनली अपनाना और उनसे कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाना है वो एक बड़ी जरूरी चीज है जो कि वन्ना जी जो बता रही हैं काउंसलिंग उसके लिए अनिवार्य है। जैसे वन्ना जी सोसाइटी में रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं और उन तक पहुंचने का एक बड़ा चैलेंज है। जैसे आप अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक संस्था चलाती हैं, उस संस्था के बारे में बताइए और क्या वहां इस किस्म की काउंसलिंग और प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स और अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ आपके लिंकेजेस और एंगेजमेंट्स रहते हैं। जो अडॉप्ट कर चुके हैं पेरेंट्स, उनको अगर इस किस्म की प्रॉब्लम्स आएं जिनका जिक्र कर्नल कुमार ने अभी किया है, क्योंकि पहले एक काउंसलिंग सिस्टम में ये लोग रहते हैं, फिर बच्चे घर चले जाते हैं, उसके बाद तो गवर्नमेंट इकोसिस्टम से ये दूर हो जाते हैं, तो ऐसे में समाज का क्या रोल है एडॉप्शन को सपोर्ट करने में? अदिति, समाज में तो हर व्यक्ति का रोल है एडॉप्शन को एनेबल करने के लिए। जैसे अभी दीपक जी भी कह रहे थे, शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है, हमारी इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, नेबर्स, इन सभी का बड़ा रोल है। यहाँ पर हेल्थ प्रोफेशनल्स का बड़ा रोल है। जो फैमिलीज इन अडॉप्शन है उनको हम समझें कि किस तरीके के बच्चों को चैलेंजेस आ सकते हैं, जिस किस तरीके के बच्चों के पेरेंट्स को चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके की रिसोर्सेज हैं तो बहुत समस्याएं हल हो जाती हैं। कई बार देखने में आता है कि चिल्ड्रन इन अडॉप्शन, उनको कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, लर्निंग इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप स्कूल से अच्छे से जुड़े हुए हैं तो आप शिक्षक को बता सकते हैं कि बच्चे को हमने गोद लिया था, और क्योंकि प्रीनेटल स्टेज पर बच्चे के साथ जो गुजरती है उसका प्रभाव बाद में भी रहता है, तो क्या चैलेंजेस आएंगे, उनको कैसे एड्रेस करना है, हमें उसके लिए स्कूल की बहुत बहुत मदद चाहिए होती है। और मैं यहां कहूंगी कि हमारे बच्चों के शिक्षक बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं, स्कूल्स बड़े इंक्लूसिव रहे हैं, बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और बच्चों को हर तरीके से उन्होंने इनकरेज किया है। तो ये बात हुई कि हमारे समाज के एटीट्यूड जो बदल रहे हैं, तो मैं ये बिल्कुल कहूंगी कि बहुत लोग सपोर्टिव भी हैं। इसको केवल हमें नहीं देखना चाहिए कि नेगेटिव ही है। इस संदर्भ में समाज में बहुत बदलाव आया है, हमारे बहुत सपोर्टिव फैमिलीज भी रही हैं, तो हर तरीके से बच्चों को अपने आप में पिरो लिया है। और दूसरा आपने सवाल पूछा उस संस्था का जिसमें हम काम करते हैं, तो हमने कुछ साल पहले फैमिलीज ऑफ जॉय फाउंडेशन की शुरुआत की, और जैसे आपको नाम ही बताएगा, हम बिलीव करते हैं यू कैन बिल्ड वेरी जॉयफुल फैमिलीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन। तो हमारा उसमें काम यही है कि हम किस तरीके से इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, उसको किस तरीके से हम इनेबल करें। तो हम न केवल फाउंडर्स जो हैं इसके पेरेंट्स इन अडॉप्शन हैं, बहुत से काउंसिलर्स इसके साथ जुड़ चुके हैं हिन्दुस्तान के कई शहरों में, जो कि बहुत एक पावरफुल बॉडी है, जहां पर पेरेंट्स आकर के उनसे बात कर सकते हैं, चाहे वो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हो या फिर अडॉप्टिव पेरेंट्स हो। तो ये रिसोर्सेज और ये नेटवर्किंग बहुत ही उम्दा तरीके से काम करती है। और एक और दीपक जी ने बात की थी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, अलग अलग शहरों में ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज हैं। कुछ एक मैं नाम लूं, अगर अपना एक दिल्ली में ग्रुप है, सुदत्ता एक बैंगलोर में ग्रुप है, और ऐसे कई ग्रुप्स हैं जहां पर करीब 150-200 अडॉप्टिव फैमिलीज जिनका पार्ट है, एंड दे वर्क एज वंडरफुल सपोर्ट ग्रुप्स। सो ये जो सारा इकोसिस्टम है वो बहुत कारगर होता है इस काम को बढ़ावा देने के लिए। कर्नल कुमार, अगर हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की बात करें, आपने कहा कि बहुत से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एडॉप्शन मैकेनिज्म से अब लिंक हो रहे हैं, लेकिन एक जो कंसर्न उभर के आती है बार बार वो ये आती है कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हेजिटेशन है, रेजिस्टेंस है सेंट्रल अडॉप्शन एजेंसी के साथ जुड़ने के लिए। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एक बहुत बड़ा पीछे कॉन्ट्रोवर्सी हुआ, उसके बाद अभी 10 दिन पहले मिशनरीज ऑफ चैरिटी की जो हेड हैं सिस्टर प्रेमा, मंत्री जी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मेनका गांधी से मुलाकात करके गई दिल्ली में, और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया। उन्होंने जो पीछे डिसीजन लिया था कि अडॉप्शन में बच्चों को नहीं देंगे, उन्होंने डिसाइड किया कि वापस आएंगे। तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिकनसाइल करते हैं, जहां चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एक स्ट्रैंगल होल्ड बना के रखना चाहते हैं, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होना चाहिए बच्चों पे, हम अपने बच्चे कहां देंगे हमारी डिसीजन है, उसमें फिर करप्शन आता है, उसमें बच्चों की सेल होती है। बिहार का केस अभी फ्रेश है जहां बच्चों की अब्यूज होती है, और वो तो आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी फटकार लगाई पीछे बिहार गवर्नमेंट को कि अभी तक जो मंत्री कंसर्न थी वहां की उनको पकड़ा नहीं गया। आप इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करते हैं? और एक और सवाल, लॉ कहता है कि टाइम बाउंड तरीके से ये लिंकेज होनी चाहिए, अब 2015 और 18 हो गई है, 3 साल हो गए हैं,
तो क्या एक्शन ले सकते हैं आप इन इंस्टीट्यूशंस पे, ये डिफाई कर रहे हैं नेशनल लॉ? सबसे पहले तो हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम किया। पहले बेसिकली हर आदमी जिसको एडॉप्शन करना होता था वो सीधा किसी संस्थान में जाता था और पांच जगह जाता था, एक्चुअली वो बच्चे चूज ही करता था और जितनी उसकी डोनेशन देने की कैपेबिलिटी होती थी उसको उतनी प्रायोरिटी पे उसके चॉइस के बच्चा मिल जाता था। तो समवॉट ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस था, बेबी शॉपिंग आप कह सकते हैं, उस तरह की सिस्टम थी जो हर जगह नहीं होगा बट कुछ जगहें पाई जाती थी। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम आया और सबको बोला गया कि आप रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए अनिवार्य है जो कि एक्ट में आया है, और जितने भी बच्चे हैं वो सेंट्रलाइज क्यू में पेरेंट रजिस्टर होंगे, अपने चॉइस देंगे, उनकी एलिजिबिलिटी भी जांची जाएगी फ्रॉम ए एडॉप्शन एजेंसी जो न्यूट्रल होगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जहां से आपकी जांच हुई वही एजेंसी से आपको बच्चा मिले। तो ये जो इंटरेक्शन जो डायरेक्टली पेरेंट और एजेंसी की होती थी फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, उसको बंद किया गया ताकि उसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आ सके और ये गलत चीजें जो थी हटाया जा सके। जब ये किया तो ऑब्वियसली चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो थे उनको इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी ये नया कानून, और वो चाहते थे कि जैसे चला आ रहा है जिसमें उनकी पूरी स्वायत्तता थी और अपने हिसाब से पेरेंट्स को चुनते थे, डोनेशंस भी मिलते थे अपार्ट फ्रॉम एडॉप्शन फीस जो निर्धारित है, तो ये सब चीज को मद्देनजर रखते हुए उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती रही। हमारे देश में और भी कई एक्ट हैं और कानून हैं जिनको इन्होंने प्रोटेक्शन लेके और बाईपास करने की कोशिश की, जैसे एक ऑर्फनेज एक्ट है पुराना, उसमें भी कुछ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन की रजिस्ट्रेशन की बातें, तो कुछ केरला में जो इंस्टीट्यूशन थे वो बोले हम तो इस एक्ट में तहत हैं हम नहीं आएंगे, क्योंकि दे क्वेश्चन द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन डिफाइंड इन जेजे एक्ट। इसके बेसिस पे फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला WP 102 और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मई 2017 में जस्टिस ऑनरेबल मदन लुकुर साहब ने ये जजमेंट पास की, और जिसमें उन्होंने एक वाइड डेफिनेशन चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन का करते हुए बोला जो भी संस्थान जहां बच्चे रह रहे हैं इस एक्ट के दायरे में आएंगे उनको मैंडेटली रजिस्टर करना होगा सेक्शन 41 एक्ट के तहत, नहीं तो बंद करना होगा, और इसकी कंप्लायंस की उन्होंने डेडलाइन दिया दिसंबर 2017। तो हमने राज्य सरकार को बोला अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोले कि आपने रजिस्टर चाहे तो करो, नहीं करना है तो शटडाउन। अगर शटडाउन करते हैं तो हर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में, जैसा मैंने आपको बोला 8,500 तो अभी रजिस्टर कर चुके हैं अगस्त तक, और भी कई होंगे, हर में 50-60-70 बच्चे हैं, अगर हम किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को सडनली बंद कर देते हैं तो सरकार के पास उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए रखने के लिए ऑल्टरनेट जगह मुहैया कराना पहली बात आवश्यकता है या अनिवार्य है ये, तो इसीलिए एब्रप्टली तो हम कर नहीं सकते। अब राज्य सरकार ने मान्यता देने के लिए भी एक गाइडलाइंस बना रखी है मॉडल रूल से कि आपकी इंस्टीट्यूशन किस तरह की होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, तो वो भी कुछ इंस्टीट्यूशन मीट नहीं कर रहे हैं, तो उनको समय देने की आवश्यकता है रैदर देन उनको सिस्टम से हटा देने के लिए। अगर कोई कार्य कर रहे हैं उनको हमने सपोर्ट करना है, इनेबल करना है कि चलो थोड़ा और समय में आप इसको कंप्लायंस कर लें और मेन उसमें आप जुड़ जाएं। तो इस तरह से करके हम धीरे धीरे सबको जोड़ रहे हैं। मिशनरी ऑफ चैरिटी आपने जैसे देखा होगा, सिस्टर प्रेमा है, हेड है यहाँ पे कलकत्ता में, तो हमने उनको अप्रोच किया, उनको दरखास्त दिया कि आप आइए मंत्री जी से मिलिए। इट वॉज वेरी गुड मीटिंग बिटवीन मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द मिशनरी ऑफ चैरिटी, और हम लोगों ने एग्री किया कि हाँ लॉ ऑफ द लैंड हैज टू बी फॉलोड, उसमें तो कोई दो मत नहीं है, तो अगर मिशनरी ऑफ चैरिटी संस्थान चलाती है तो उनको इस धारा में जुड़ना पड़ेगा, अदरवाइज बिना जुड़े हुए तो चला नहीं सकते हैं। जब 2015 में जब उन्होंने पुल आउट किया था उसमें उनके 18 स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी थे जहां से बच्चे एडॉप्शन जाते थे, अभी आज के डेट में उनके पास 79 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हैं, और ये सारे 79 जो हैं वो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडॉप्शन के लिए। कल तक मैंने देखा था 63 को हमने लिंकेज कर दिया था। ये बहुत ही एक हार्टनिंग साइन है वंदना जी कि सरकार लॉ के तहत भी चल रही है लेकिन लॉ की जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं उनको अभी इन्वोक नहीं कर रही है। जैसा कि कर्नल कुमार ने कहा कि ये एक बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक पेनफुल प्रोसेस है सोसाइटी के लिए भी क्योंकि बहुत ही रेवोल्यूशनरी लॉ है। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी, अभी पीछे मई में एक रूल बनाया था इसी लॉ के तहत और ये कहा गया था कि पहले एक ऐसा प्रोविजन था जिसमें प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स जब एडॉप्शन के लिए आते थे तो उनको तीन बच्चों में से एक को चूज करने की आजादी थी। जैसा कि कर्नल कुमार ने कहा कि बेबी शॉपिंग नहीं लगनी चाहिए क्योंकि बच्चे सब खूबसूरत हैं, सबका हक है एक फैमिली का, तो ये निर्धारित किया गया कि एक बच्चा आपको दिया जाएगा, उस बच्चे को आप या चूज करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, 48 आवर्स का आपको पीरियड दिया जाएगा।
आपने भी अडॉप्ट किया है बच्चा, एज अ पेरेंट अगर ये चॉइस आपसे ली जाए कि तीन में से आपको एक चूज करना अब नहीं अलाउड, तो इस रूल के बारे में आप क्या कहती हैं, क्योंकि पेरेंट्स में थोड़ी सी इसको लेके अनईज है अभी भी। मैं तो खुद बिल्कुल मानती हूं कि कोई बेबी शॉपिंग नहीं होनी चाहिए और इसमें चॉइस की भी कोई पर से जरूरत नहीं होनी चाहिए। इवन जब आपका बायोलॉजिकल बच्चा होता है तो वो कैसा दिखता है आप उसको तो डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं। सो हमने तो यही माना कि जो बच्चा हमारे सामने आएगा वो हमारा होगा। और अक्सर लोग सोचते हैं कि रंग मैच नहीं करेगा, तो वैसे भी बच्चा तो जब छोटा होता है तो वो बहुत इवॉल्व करता है, बहुत डिवेलप होता है, तो आगे जाकर के वो कैसा दिखाई देता है पता नहीं रहता है। तो जो प्रेफरेंस की बात है, मुझे ये लगता है यहां पर भी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। आपको पेरेंट्स को प्रिपेयर करने की जरूरत है कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, जो प्रेफरेंस आप कर भी रहे हैं वो बेमाने हैं। तो यहां पर भी पेरेंट्स की तैयारी बहुत जरूरी है। जो अमेंडमेंट हुआ है मैं तो उससे बिल्कुल सहमत हूं। वेलकम अमेंडमेंट हुआ है और समाज अपने आप को इसके लिए तैयार करेगा, क्योंकि ये भी अच्छा है कि एक रूल पहले आ जाए और समाज फिर अपने आप को उसके लिए तैयार करे। कभी कभी समाज में से डिमांड आती है तो हर तरीके से कानून चलता है। कर्नल कुमार, कानून का एक और बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन को लेके। भारत ने पहली बार फॉस्टर केयर और स्पॉन्सरशिप की बात की है कानूनी तौर पर। हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें समझ नहीं आता कि फॉस्टर केयर किस तरीके से की जाती है। तो आपका इन दो नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर ऑफ चिल्ड्रन का जो ये प्रावधान किया गया है कानून में, इसको लेके क्या एक्सपीरियंस है, क्या लोग तैयार हैं इसके लिए? चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए या इनके रख रखाव के लिए ऑब्वियसली दो तरीके हैं, एक तो इंस्टीट्यूशनल केयर हो गया और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर हो गया। इनफैक्ट एडॉप्शन भी एक नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर ही है। एडॉप्शन, फॉस्टर केयर एंड स्पॉन्सरशिप, ये तीनों नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर हैं और तीनों अलग अलग तरह के बच्चों के लिए लागू है। तो सबसे पहली बात तो सरकार की नीति यही है कि इंस्टीट्यूशन से बेहतर केयर बच्चे का नॉन इंस्टीट्यूशन में होता है। तो हर एक बच्चा जो है वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से या एडॉप्शन एजेंसी से निकल के किसी परिवार में या कहीं पले, वो हमेशा आइडियल होता है बच्चे के ग्रोथ के लिए। अब अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर देखते हैं तो ये तीन जो हमने आपको बताया, इसमें सबसे पहला एडॉप्शन को हम प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे की पूरी लीगल राइट होती है, परमानेंट रिलेशनशिप पेरेंट लाइफ बच्चे का हो जाता है, तो वो बेस्ट है बच्चे के हित में। तो एडॉप्शन तो प्रायोरिटी वन है। अब जो बच्चे एडॉप्शन पे नहीं जा सकते हैं, चाहे तो बहुत बड़े बच्चे हो गए हैं, या अगर एडॉप्शन में जाने से पहले लीगली फ्री के प्रक्रिया में अगर टाइम लग रहा है, तो भी अगर कुछ समय तक उसको पालना या पोसना है, तो वो भी अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल थोड़े समय के लिए अगर हम कहीं कर सकते हैं बाहर, जिसको हम फॉस्टर केयर बोलते हैं, तो वो अच्छा है। तो फॉस्टर केयर बेसिकली चाहे तो टेम्प्री अरेंजमेंट है जब तक बच्चे की परमानेंट रिहेबिलिटेशन नहीं हो जाए, या वैसे बड़े बच्चे के लिए है जो लीगली फ्री होने के बाद भी परिवार नहीं पा रहा है और इंस्टीट्यूशन में ही बढ़ रहा है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि फॉस्टर केयर में ही दें। और अगर धीरे धीरे हो सकता है परिवार के साथ संबंध बन जाए और 5 साल तक वो परिवार के साथ रह जाता है, तो मॉडल जे रूल में प्रावधान है कि वो प्रायोरिटी पे वो एडॉप्ट भी कर सकते हैं बच्चे को। सो दैट्स अ वे ऑफ फाइनली लीडिंग टू अ परमानेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ एडॉप्शन। तीसरी जो स्पॉन्सरशिप है, वो बेसिकली हम सपोर्ट करते हैं परिवारों को ताकि वो बच्चे को रख रखाव कर सकें बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो ये है स्पॉन्सरशिप। हर तरीके से बच्चे की हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का कोशिश है एडॉप्शन के नए कानून के तहत, इसी उम्मीद के साथ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को घर मिलेगा। आपके समय के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।